हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम लेकर आए हैं जनवरी के करंट अफेयर्स। तो 2017 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको यहां से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अभी जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है एफकैट का, वहां पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, क्योंकि वहां पर जनवरी से करंट अफेयर जरूर पूछे होंगे उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर। उससे पहले यदि कोई नया है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं फिर आपके पास वो डायरेक्टली आ जाएगी। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को चेक कर सकते हो कि ये वीडियो जो है अपलोड हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले भारत सरकार ने कैशलेस शॉपिंग के लिए भीम ऐप लॉन्च किया है। तो भीम ऐप जो है इसका पूर्ण नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, याद रखना है आपने, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल लॉन्च और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में किस योजना का प्रारंभ किया गया है? स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र का योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। किस भारतवंशी ब्रिटिश प्रोफेसर को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्चना निगम को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के किस विभाग की महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? व्यय विभाग में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस भारतीय अभिनेत्री को प्रस्तुतकर्ता के रूप में चुना गया? तो ये प्रियंका चोपड़ा जी को चुना गया। ये भी यहां से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन रहा है। 2 जनवरी 2017 को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी 4000 की मारक क्षमता है, 4000 किलोमीटर तक की जो है मार्क कर सकता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में 2 जनवरी 2017 को किसने सचिव का पदभार ग्रहण किया? आईएएस प्रीति सदन ने। तो आईएएस प्रीति सदन ने यहां पर कार्यभार जो है संभाला है अभी। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में 2 जनवरी 2017 को दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में किसने पदभार ग्रहण किया है? एस बी देव ने किया है उप प्रमुख में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोफेसर डेविड आर सिमलिह को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर सिमलिह का कार्यकाल कब तक है? 21 जनवरी 2018 तक, एक साल के लिए चुना जाता है। तो यूपीएससी पर इनको यूपीएससी के लिए 1 जनवरी 2018 तक के लिए चुना गया है। 104वें इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2017 से भारत में किस राज्य पर किया गया? तिरुपति शहर में, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल विपणन कंपनियों ने अपने किस प्रकार के एलपीजी ग्राहकों को ₹5 का अग्रिम छूट देने की घोषणा की है? तो ये सिलेंडर रिफिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को घोषणा की गई है ये। नेक्स्ट है, प्रशासन की रसोई कार्यक्रम को भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये पंजाब में है प्रशासन की रसोई। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली हॉकी विश्व कप खेलों का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा है? तो ये भारत में होगा 2018 में। हाल ही में भारतवंशी शेख रफीक को किस देश की सेना में मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है, भारत का पहला लेजर प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत AVMS RTO चेक पोस्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात में। हाल ही में आयोजित दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ महिला कप किस देश की महिला टीम ने जीता? भारत ने जीता है अभी। नई दिल्ली स्वच्छ नगर निगम ने हाल ही में किस पैरालंपिक गेम्स 2016 की खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, दीपा कर्माकर जी को, ये जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं, तो उनको चुना गया है। भारतीय डाक सेवा ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कौन सी प्रकाश उत्सव पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो 350वें प्रकाश उत्सव पर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा पहली बार फेसबुक सोशल साइट का सहारा लिया। भारत के फेसबुक पेज का क्या नाम है? तो फेसबुक इंडिया नाम है भारत के फेसबुक पेज का, और उसका सहारा लिया था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत महोत्सव 10 जनवरी से 16 फरवरी 2017 तक किस देश में आयोजित किया गया? कंबोडिया में हुआ ये भारत महोत्सव। सरकार ने देश में मौजूदा खेल संचालन रूपरेखा और खेल शासन से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति किसका अध्यक्षता में गठित की गई?
ये इंजेती श्रीनिवासन ये सचिव हैं खेल के, उनके निर्देशन में की गई है। नेक्स्ट है व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो ये दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में 6 जनवरी 2017 अप्रवासी उड़िया सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। ये हाल ही में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, रूस के सरगेई कार्जकिन ने। हाल ही में चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, नेपाल में। हाल ही में हेती में कराए गए राष्ट्रपति के चुनाव में हेती का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, जोवनेल मोइसे जोवनेल मोइसे। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान निवासी हिंदुओं के लिए किस बिल की स्वीकृति प्रबंध की गई है, प्रदान की गई है, हिंदू विवाह बिल। नेक्स्ट, चीन ने हाल ही में किस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च की है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। सबसे लंबी दूरी की बुलेट ट्रेन जो है ये है शांग्री लॉ ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका ने हाल ही में किसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है, हमजा बिन लादेन को इन्होंने वैश्विक आतंकी जो है घोषित कर दिया है। फ्लिपकार्ट कंपनी के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, कल्याण कृष्णमूर्ति को। फ्लिपकार्ट के नए CEO जो हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। हाल ही में JSL इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रमेश नायर को। ये भी आपने याद रखना है, रमेश नायर को चुना गया है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन 7 जनवरी 2017 तक देश के किस शहर में किया गया, ये बेंगलुरु में हुआ, बेंगलोर में। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा फ्लोटिंग पॉथ किस देश में बनाया गया है, चीन में। भारत का पहला मैडम तुसाद संग्रहालय दिल्ली में खोले जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। ये संग्रहालय तुसाद संग्रहालय की कौन सी शाखा होगी, ये 23वीं शाखा होगी तुसाद संग्रहालय की। वाइब्रेंट गुजरात समिट का प्रारंभ 10 जनवरी 2017 से भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है, गांधीनगर में होगा ये। सरकार के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2017 तक किया गया है, डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। भारत ने 10 जनवरी 2017 को किस देश के साथ फिल्म क्षेत्र में सह निर्माण समझौता दिया है, पुर्तगाल को। रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे ने 12 जनवरी 2017 को भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन क्लॉस स्टेल्थ पनडुब्बी श्रृंखला की कौन सी दूसरी पनडुब्बी का उद्घाटन किया है, खांदेरी पनडुब्बी का। हरियाणा के रोहतक में 12 जनवरी 2017 को 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस युवा महोत्सव की थीम क्या थी, डिजिटल इंडिया के लिए युवा, याद रखना है ये भी आपने। पिनाका रॉकेट के किस सर्वाधिक स्वरूप का चांदीपुर के कॉम्प्लेक्स 3 ITR से 12 जनवरी 2017 का सफल प्रक्षेपण किया गया। पिनाका रॉकेट के किस सर्वाधिक स्वरूप का चांदीपुर के कॉम्प्लेक्स 3 ITR से 12 जनवरी 2017 को सफल प्रक्षेपण किया गया, गाइडेड पिनाका का, ये याद रखना है अपने, गाइडेड पिनाका का अभी सफल प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 7 से 15 जनवरी 2017 तक कहाँ किया गया, तो ये जो हुआ ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2017 का विषय क्या था, प्राचीन काल से वर्तमान तक, इसका जो विषय था ये था प्राचीन काल से वर्तमान तक। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2017 के मुख्य अतिथि कौन रहे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंटोनियो कोस्टा, ये भी याद रखना आपने। हाल ही में किस अभिनेता को 4th यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, शाहरुख खान को। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को वुमेन बिग बैश चुना गया, हरमनप्रीत कौर को। पूर्व CBI के निदेशक राजेंद्र शेखर की किस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2017 में किया गया, पलकल आज और कल। और आपने याद रखना है एक पुस्तक जो बुक से रिलेटेड, बुक के ऑथर भी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर होता है इस तरह का FCAT के एग्जाम में। हाल ही में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता, भारत के सेंडिल कुमार ने। फिर है मुंबई मैराथन 14 के एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, डेविड रुडिशा को। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2017 में
किस देश को 100-100 रुपए की करेंसी के रूप एक अरब रुपए देने को तैयार हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2017 में किस देश को 100-100 रुपए की करेंसी के रूप में एक अरब रुपए देने को तैयार हुआ है? तो नेपाल को देगा ये, क्योंकि अभी जो नोट बैन हुए थे उसकी वजह से नेपाल में, क्योंकि वो जो करेंसी है वो चलती थी तो नेपाल वालों ने भी बैन कर दिया था, उसकी वजह से 100-100 रुपए के दिए जाएंगे उनको ताकि करेंसी जो है वो चलती रहे। हाल ही में असम में उच्च पोषण से युक्त किस प्रकार के चावल बहुत लोकप्रिय हुए हैं? तो ये काले या बैंगनी, दोनों आप कोई भी लिख सकते हो अगर ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने 16 जनवरी 2017 को नई दिल्ली के सिटी फोर्ट फरवरी 2017 तक महीने भर चलने वाले कार्यक्रम किस कार्यक्रम को शुभारंभ किया? तो ये सक्षम 2017 कार्यक्रम था, इसका शुभारंभ किया है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन कब से कब तक किया गया? 15 जनवरी से 21 जनवरी 2017 तक, 7 दिन रहा ये। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत तिरंगा साक्षी है विषय के साथ राष्ट्रीय तिरंगे पर आधारभूत नृत्य का प्रदर्शन दिल्ली के प्रीतमपुरा में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने विद्यार्थियों द्वारा किया गया? क्वेश्चन क्या है आपके पास, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत तिरंगा साक्षी है, अवसर कौन सा था? तिरंगा साक्षी है विषय के साथ राष्ट्रीय तिरंगे पर आधारित नृत्य का प्रदर्शन दिल्ली के प्रीतमपुरा में केंद्रीय विद्यालय के कितने विद्यार्थियों द्वारा किया गया? तो ये 162 छात्र और छात्राओं द्वारा किया गया, तो ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2017 को किस रूप में मनाया? 15 जनवरी 2017 तो ये सेना दिवस के रूप में मनाया है, सेना दिवस याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया प्रतियोगिता का शुभारंभ 15 जनवरी 2017 को किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल द्वारा, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल। नेक्स्ट है, वाणिज्य सचिव द्वारा 6 जनवरी 2017 को किस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया? SEZ इंडिया मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने 5 जनवरी 2017 से 5 फरवरी 2017 तक सुरक्षा जागरूकता माह का आयोजन किया, इस आयोजन का लक्ष्य क्या था? शून्य दुर्घटना उद्देश्य को प्राप्त करना, दुर्घटना जो है वो शून्य होनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला IIGF 18 से 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित इस मेले का यह कौन सा संस्करण था? ये था 58वां था ये। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, ये आपके काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। और बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं वो हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पर बोल रहे हैं, तो वो हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे एक दो दिन में, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एफकैट के लिए जरूरी होते हैं वही टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो वो हम बना रहे हैं, एक दो दिन में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बाकी जो है हम कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स बनाएंगे, इडम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि वो जो है 4-5 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, एक वो वीडियो, और एक हमने अभी एक जीके पर बनानी है वीडियो बुक के ऑथर्स पर, क्योंकि बुक के ऑथर का एक क्वेश्चन जरूर होता है, तो 2016 में जितनी बुक्स लॉन्च हुई है उनका हम एक वीडियो बना देंगे आपके पास। तो ये हम बनाते रहेंगे, 26 से पहले पहले ये सारा कंप्लीट कर लेंगे हम एक बार, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, थैंक यू।